कि हमारे साथ नितिन जोशी जी हैं, ये फायरमैन में हैं और ये काफी समय से इस सेवा में कार्यरत हैं। आइए इनसे हम जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार से उन बच्चों की जान बचाई जा सकती थी, आखिर फायरमैन के पास वो सारी चीजें क्यों नहीं थी जो इक्विपमेंट उनके पास होने चाहिए। नितिन जोशी जी, आपका स्वागत है। इस दुखद हादसे के बाद हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वो चीजें थी जिनके लिए हम वो काम नहीं कर पाए जो फायरमैन को या फायरमैन सर्विस को करनी चाहिए थी। कि हमारे साथ नितिन जोशी जी हैं, ये फायरमैन में हैं और ये काफी समय से इस सेवा में कार्यरत हैं। आइए इनसे हम जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार से उन बच्चों की जान बचाई जा सकती थी, आखिर फायरमैन के पास वो सारी चीजें क्यों नहीं थी जो इक्विपमेंट उनके पास होने चाहिए। नितिन जोशी जी, आपका स्वागत है। इस दुखद हादसे के बाद हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वो चीजें थी जिनके लिए हम वो काम नहीं कर पाए जो फायरमैन को या फायरमैन सर्विस को करनी चाहिए थी। नितिन जी, हाँ, तो आपको मेरी आवाज आ रही है? तो सर, आप बताइए कि किस प्रकार से हम उनकी मदद कर सकते थे। फायरमैन को जनता का पूरा सहयोग होना चाहिए, तो आपको क्या लगता है अपनी सर्विस के दौरान कि जनता उस हिसाब से सहयोग कर पाती है कि जिस हिसाब से वो बोलती है? कमी लोग हैं, जैसे 20 लोग हैं, उसमें 2-3 हैं जो हमारे साथ पूरा सहयोग करते हैं। हमारे जैसे पानी के पाइप हैं या हम सही से लेडर ले जाते हैं, लगभग कुछ लोग रहते हैं जो बाकी तो दर्शक ही रहते हैं जिन्हें पुलिस के द्वारा दर्जा लगवाना पड़ता है। ओके, अच्छा, फायरमैन की गाड़ी में लगभग कम से कम कितने लोग होते हैं? सर, उसमें ऐसे रहते हैं, यूनिट रहती है, एक फायर सर्विस का चालक रहते हैं, पहुंचने के लिए पर्याप्त रहती है? 35 फुट। ओके, तो ये ऊंचाई कितनी होती है, क्या वो 4 मंजिल तक आराम से पहुंची जा सकती है? अच्छा, तो सर ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि बड़ी मंजिला होती हैं, बड़ी मंजिले इमारतों में आग लगती है, तो उसके निपटने के लिए फायरमैन के पास क्या इंतजाम होते हैं? सर, उसका तो गाड़ी में ऐसा ना, गाड़ी गाड़ी में जो एक हमारे पास टर्न टेबल लैडर आया है, इस समय जैसे हम उत्तराखंड में, तो हमारे पास 13 फुट है, तो वो टर्न टेबल लैडर आपका कम से कम 5 मंजिला